सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के साबिक कोऑर्डिनेटर खुर्रम रसूल के खिलाफ फ्रॉड केस निपटा दिया। एफआईए को कानून के मुताबिक तहकीकात का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग पर आईबी के बाद आईएसआई और एमआई से भी रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी दिफा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। पीएससी के अद्वियात के रिएक्शन से हलाकतों का सिलसिला जारी। आज एक और मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम मज़ार क़ायद पर इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। कारकुनान की आमद जारी। उधर सखर में एमकेएम की खुशहाल सिंध मजबूत पाकिस्तान जलसे के लिए भी पंडाल सज गया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील कर दिया। अब इंतखाबात 25 फरवरी को होंगे। साबिक सूबाई वजीर ज़िले हुमा उस्मान का कातिल मौलवी सरवर कोटलखपत जेल लाहौर में पुरइसरार तौर पर हलाक हो गया। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में कार बम धमाका, 28 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। और अबूधाबी टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। इंग्लैंड 327 रन बनाकर आउट।